सर सोशल मीडिया ने नेम फेम दिया पैसा दिया और साथ में खुद को और ज़्यादा खुद पर काम करने के लिए मजबूर किया मेरी तरफ से रोस्टिंग कैटेगरी यूट्यूब को बंद कर देना चाहिए कोई भी आप काम कर रहे हो ना उससे क्या आपको मिल रहा है वो सेकेंडरी है उसको करके आप क्या बन जा रहे हो वो प्राइमरी है सोशल मीडिया ने आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाया मैं ये जानना चाहता हूँ सागर सर कितना पैसा बनाते हैं यूट्यूब से तो अभी जो कुछ टाइम पहले जब हमारा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा था कुछ दो सौ व्यूज तीन सौ व्यूज आ रहे थे वो टाइम पे मैंने एक्सपेरिमेंट करा एक्सपेरिमेंट करा तो एक चीज़ समझ में आई अच्छा ये चीज़ चल सकता है एक शाहरुख खान का इंटरव्यू में सुन रहा था बहुत पहले सुना था तो वो कहते हैं कि अगर आपको बहुत बड़ी सक्सेस लेनी है तो आपको खाना पीना छोड़ना पड़ेगा हेलो एवरीवन आज हमारे साथ हैं सागर सिन्हा सर और सर सबसे पहले तो वेलकम टू इंडिया स्टॉक क्रिएटर शो मच सर ये हमारे लिए बहुत प्रिवलेज की बात है कि ऐसे क्रिएटर्स जिन्होंने आ, आ, कई बार यूट्यूब को बीट किया हो अलग अलग तरीक़ों से चाहे उनका मोटिवेशनल कंटेंट हो या फिर उनकी शॉर्ट्स में रील्स हो इंस्टाग्राम पे रील्स हो या फिर उनके फाइनेंस के जो वीडियोस अभी वो रिसेंटली बना रहे उस कंटेंट में यूज़र का इतना प्यार हो सर आप ऐसा क्या ट्रिक यूज़ करते हैं इंटरनेट पे जो आप हर सेगमेंट पे वीडियो बनाते हैं और वायरल हो जाती है <laughs> आ, ट्रिक का पता नहीं अमृतसर बट ये कि मैं अपने आप को एक शिक्षक मानता हूँ मैं एक टीचर हूँ और एक अच्छा टीचर अपने आप को मानता हूँ तभी मुझे लगता है कि मैं सिखा पाता हूँ और लोगों को समझ में आता है अब एक अच्छा शिक्षक अगर है ना उसको अगर क्लैरिटी किसी टॉपिक पर है तो जितनी अच्छी क्लैरिटी उसके पास है वो उतना अच्छा डिलीवर कर पाता है अब देखो ना आप जितने भी अच्छे टीचर्स हैं इंडिया में चाहे आप खान सर को देखो या किसी को भी देख लो सब ने अपने बारे में यही बोला है कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था अब क्यों बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था उनको अच्छे शिक्षक नहीं मिले लेकिन जब उन्होंने उस टॉपिक को अच्छे से समझा तो अच्छे शिक्षक बन के निकले और आज हज़ारों हज़ारों क्या मतलब हज़ारों तो बहुत छोटा नंबर है लाखों करोड़ों में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है आज से मैंने कुछ टाइम पहले तकरीबन छः महीने पहले अचानक से एक इंस्टाग्राम पे एक मोटिवेशनल वीडियोस अलग स्टाइल में आने लग गई वो जब मैंने अप किया तो वो आपकी वीडियोस थी और उसका एक बैकग्राउंड म्यूज़िक बोलने का स्टाइल वो रील कैसे मैं जानना चाहता हूँ इसके पीछे जो कंटेंट है वो कहाँ से आता है सर मेरी डेली लाइफ की चीज़ें हैं सर अब डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते बहुत सारी बैड थिंग अच्छी चीज़ बुरी चीज़ होती रहती है उन्हीं में से कुछ ना कुछ ऐसी लाइन्स आ जाती हैं जो मुझे लगता है बोल देना चाहिए बोल देता हूँ अभी परसों तरसों मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ तो उस इंसिडेंट जस्ट मेरे से वो ख़त्म ही हुआ था इंसिडेंट और मैंने कैसे कैमरा ऐसे ऑन करा और बोल दिया तो दो दिन में वो एक मिलियन टच हो रहा है जी तो जस्ट अपने इंसिडेंट्स जो मेरे साथ होते हैं वो मैं शेयर करता हूँ ओके okay. और ये जो आप क्योंकि ये जो हमारा शो है बेसिकली हम जो हमारी व्यूअर्स है वो देखना चाहते हैं कि हम सागर सिन्हा सर जैसे कैसे बन सकते हैं मतलब आपका जो क्रिएशन है आप चाहे शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं या फिर लॉन्ग वीडियोस में आपकी व्यूअरशिप है तो वो जानना चाहती है कि जब आप जो आप ये वीडियोज़ बनाते हैं ये वीडियोज़ बनाने में क्या आपका एक डे रूटीन रहता है मतलब वीडियोज़ कितनी बनाते हैं कितना समय लगता है पूरा मैं विस्तार से जानना चाहूँगा अब यूट्यूब वीडियो की बात करो तो सर मैं लॉन्ग वीडियो होता है चालीस मिनट पैंतालीस मिनट पचास मिनट तो उसको प्रिपेयर करने में मुझे दो दिन का समय लगता है ओके okay. दो दिन लग जाता है मतलब एक दो चालीस मिनट की वीडियोस में कंटेंट की प्रिपरेशन हाँ, दो दिन में करते दो दिन लग जाता है क्योंकि मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कंटेंट रिपीट नहीं होना चाहिए हुँ. वो यूनिक होना चाहिए मेरे पिछले सारे वीडियो से हर बार कुछ नया हो तो इसके लिए मुझे दो दिन बड़े आराम से लग जाता है कई बार तीन दिन भी लग जाता है ओके तो टॉपिक फाइनलाइज़ करना कि नहीं ये टॉपिक लोगों को देना चाहिए टॉपिक जनरली आपको ज़्यादातर कॉन्टेंट में कॉन्टेंट कहता हूँ कमेंट्स में लोगों को मिल जाते हैं उनको पढ़ते 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 समझ में आ जाता है कि अच्छा ये टॉपिक लोगों को देना चाहिए तो उस टॉपिक पर प्रिपेयर करना दो दिन सम टाइम थ्री डेज लग जाता है कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये वीडियोस मुझे मेरा मन नहीं कर रहा बनाने का बट यूजर की डिमांड है तो मुझे बनाना पड़ रहा है कई बार ऐसा फील होता है आपको ऑडियंस का फील होता है लेकिन अभी तक मैंने बनाया नहीं जिस पर मेरा मन नहीं है ओके क्योंकि फिर आप हंड्रेड परसेंट दे नहीं पाते ना उस पर ओके लाइफ में जिस भी चीज़ पर हम हंड्रेड दे नहीं पाते वो कभी हिट नहीं होगी सर सर के रील्स मतलब हर वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज़ हैं सिर्फ पर्टिकुलर वीडियोस पे तो है ही और अगर आप उस पर म्यूज़िक पे जाके चेक करेंगे आपकी ऑडियो पे तो हज़ारों हजार लोग उस पर वीडियोज़ बना चुके होते हैं इनफैक्ट नॉट इवन जनरल पब्लिक बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स और आई थिंक अभी आपसे कॉन्वर्सेशन के दौरान पता चला कि बहुत सारे बॉलीवुड के भी लोग उस पर काफ़ी वीडियोस बनाते हैं हाँ, uh, हाँ हैं बहुत सारे तो ये है उस कंटेंट की पावर तो मुझे ये समझ आया कि कहीं ना कहीं आपका अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है वो चीज़ निकल के आ रही है उन चीज़ों में बैड टाइम सर ओके मतलब हर आदमी की ज़िंदगी में जो बैड टाइम होता है ना मैं हमेशा कहता हूँ कि आदमी की ज़िंदगी में गुड टाइम और बैड टाइम ये कम्बिनेशन में चलता है गुड टाइम आपको अचीवमेंट uh, दिलाती है पैसा दिलाती है, शोहरत दिलाती है लेकिन बैड टाइम में जो चीज़ आपको मिलती है ना उससे आप कितनी चीज़ें कमा सकते हो वो आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते तो आज मुझे लगता है कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत कैजुअली हम बना देते हैं इंस्टाग्राम का रील बट इस कैजुअली बनाने के पीछे जो कंटेंट दिमाग में आया है ना वो उन बुरी परिस्थितियों की वजह से आया है जिन बुरी परिस्थितियों की वजह से हम या आप या कोई भी आदमी झल्ला जाता है वो बुरा फील करता है कोसता है भगवान को किस्मत को परिस्थिति को ये उन बुरी परिस्थितियों के पा वजह से मेरे में यह कॉन्टेंट डेवलप हो पाया है जिसकी जिसका फ़ायदा आज हम यू ही उठा ले रहे हैं तभी तो कहते हैं कि बुरी बुरा समय आपको कुछ आपसे कुछ लेने नहीं आता बल्कि आपको बहुत कुछ सिखाने आता है और वो आपके साथ जब समय में जिस समय काम आने लग जाता है तब हम ये लोग कहते हैं अरे इसका तो अच्छा समय आ गया अच्छा नहीं। समय नहीं आ गया बुरे समय में उसने अपने आप को बहुत रगड़ा है वो उस चीज़ को यूज़ किया है जो उसने बुरे समय में सीखा तो लोग कह देते हैं अच्छा समय आ गया है हर एक दो साल में कुछ ऐसी चीज़ें होती है मेरे साथ अब चाहे मेरी बेवकूफ़ी कह लो या कुछ भी हो कह लो जो बहुत बुरा हो जाता है इन टर्म्स ऑफ फिनेंस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस तो फिर वहाँ पे मेरी एक स्ट्रैटेजी रहती है हमेशा से जब मैंने अपने रील में भी बोला कि छः महीने के लिए गायब हो जाओ वो मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है ओके। अब जैसे जॉब में मैं आईटी में जॉब में था तो मेरी जब जब जॉब जाती थी, थी ना मैं दस दिन के लिए खुद को पैक कर लेता था टफ टाइम में ऑलवेज़ मैं अपने आप को दुनिया से अलग कर लेता हूँ खुद पर तैयारी करने में लग जाता हूँ खुद को प्रिपेयर करने में लग जाता हूँ क्योंकि दुनिया में आपको अगर कोई चीज़ कुछ दे सकता है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है समय का पैसे का वो खुद पर है सर और वो बुरे टाइम में मैं रोने पिटने में नहीं लगाता मेरी किस्मत ख़राब है इसने मेरे साथ गलत कर दिया उसने गलत कर दिया जो किया सो किया ऑलवेज़ वॉट टू डू ये नेचर होना चाहिए और ऊपर वाले की कृपा से ये बुद्धि मेरे को ऊपर वाले ने दी है कि जब भी टफ़ टाइम आए ये सोच के अब अगला क्या करना है बुरा सो हुआ सो हुआ अब आगे कैसे करना है सोशल मीडिया ने आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाया मैं ये जानना चाहता हूँ सर सोशल मीडिया ने नेम फेम दिया पैसा दिया और साथ में खुद को और ज़्यादा खुद पर काम करने के लिए मजबूर किया आदमी को लगता है अरे तो ये वीडियो ही बनाता है वीडियो बनाने में क्या है लेकिन हर एक वीडियो आपके बहुत रिसर्च बहुत एनालिसिस मांगता है सर और अगर मेरे जैसा अगर 40-45 मिनट का कंटेंट आप बना रहे हो वो भी हर कंटेंट यूनिक पिछले से जैसा मैंने कहा दो तीन दिन समय लगता है ओके okay. सर इसका मतलब हर दो तीन दिन आपके लिए परीक्षा का समय होता है एक स्टूडेंट के लिए साल भर में एक बार में परीक्षा आता है हम मेरे जैसे क्रिएटर आपके जैसे क्रिएटर हर दो तीन दिन में उसके लिए परीक्षा का समय आ जाता है अब उसको ये भी टेंशन है कि मुझे इस तरह का कंटेंट बनाना है जो लोगों को सीखने को भी मिले साथ में उसमें व्यूज़ भी आए राइट right. है ना अदरवाइज वो वीडियो फ्लॉप हो गया मतलब हर दिन एक नई जद्दोजहद रहती है जद्दोजहद हो yes, रहती है नेक्स्ट बिल्कुल यस 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 और ये ये भी डर रहता है कि यार मैं पीछे जो बता रहा हूँ सेम रिपीटेड ना हो जाए जो रेगुलर व्यूअर्स बोले यार कुछ नया नहीं मिल रहा है हाँ तो ये लाइक यूट्यूब ने यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक इसने बदलाव तो लाए हैं आपके जीवन में का बहुत ज़्यादा सर बहुत ज़्यादा Okay. अभी पाँच साल यूट्यूब पे काम करने के बाद या इंस्टाग्राम पे वर्क करने के बाद अब आप सोशल मीडिया को अब जो नई यूथ आ रही है इंटरनेट में जो जिसको यूट्यूबर बनना है जिसको इंस्टाग्राम पे आप जैसी रील बनानी है उसके अंदर भी बहुत सारी क्रिएटिविटी है तो आप उसको क्या एक सजेशन देंगे नॉट इवन टर्म्स ऑफ टेक्निकल कि भाई कैमरा ले लो चीजें एक मोरली सपोर्ट होता है ना कि भाई इस तरीके से अपनी लाइफ की शुरुआत करो क्या आप उसको एक गाइड सोशल मीडिया ना सर आज दो डायरेक्शन में है हुँ. एक तो कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन okay. जैसे मेरे और आप जैसे लोग कर रहे हैं लोगों का कुछ अच्छा भला करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू फिनेंशियल नॉलेज थ्रू मोटिवेशन नॉलेज थ्रू यूट्यूब नॉलेज एनी काइंड ऑफ नॉलेज एक थोड़ा बर्बाद करने वाले भी नॉलेज और वो बड़ी तेज़ी okay. से बढ़ रहे हैं ओके okay. जैसे अब मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को बुरा लगे तो रोस्टिंग कैटेगरी मेरी तरफ से रोस्टिंग कैटेगरी यूट्यूब को बंद कर देना चाहिए बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं हम और आप कुछ भी नहीं उनके सामने नहीं नहीं मतलब बड़ी बहुत फैन है मतलब हर एक का वो कंटेंट कॉन्टेंट लोग ज्यादा इसका मतलब नहीं कि वो इंसान अच्छा लेकिन रोस्ट है। के पीछे के अगर आप साइकोलॉजी समझो तो इससे हो क्या रहा है आप किसी एक आदमी को पकड़ करके उसकी बुराई कर रहे हो आप हर एक आदमी को ऐसा ढूंढ रहे हो जिसकी मैं क्या क्या बुराई कर सकूँ मतलब आपका माइंड क्या है एक आदमी में सिर्फ और सिर्फ आप बुराइयाँ ढूंढ रहे हो कुछ अच्छाइयाँ नहीं ढूंढ रहे सर कुछ सालों बाद लगातार रोस्टिंग करते करते उस आदमी का माइंड कैसा होगा वो हर आदमी में जिससे मिलेगा सिर्फ बुराई ही देखेगा अपनी नेक्स्ट नेक्स जनरेशन को बाल बच्चा जब उसका कुछ होगा कल को क्या सिखा पाएगा वो कभी भी अच्छी चीज़ वो सिखा पाएगा यार उस आदमी से देखू कितना अच्छा कर रहा है उस आदमी से उससे सही सीखने लायक क्योंकि जिंदगी भर उसने दूसरों की बुराई देखने में लगा दी तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी बुराई ही देगा वो राइट और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा मतलब आपकी बातों में कि होता क्या है अगर आपने रोस्टिंग कैटेगरी को एक कंटेंट नाम दे दिया गया आपने देखा होगा जब भी रोस्टर रोस्ट करते हैं किसी को तो शुरू में लगता है कि यार यार मतलब उसकी तो बजा दी इसने बट एट द एंड ऑफ द वीडियो कहता है यार मेरे लिए उसके लिए कोई हेट नहीं है यार है ना <laughs> कोई भी जाके हेट मत करना नहीं। नहीं। तो एट द एंड होता क्या है एक्चुअली कि जो बंदा रोस्ट करवा रहा होता है उसको बड़ा अच्छा लगता है हाँ। यार मैं तो पॉपुलर हो गया राइट हाँ। right? मैं तो बहुत आगे निकल गया तो अल्टीमेटली वो अपना करियर सिर्फ पैसों से काउंट कर रहा है तो आई होप वो बहुत अच्छा पैसा बना सकता है बट इन टर्म्स ऑफ टेन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स थर्टी ईयर्स दे जब वो पार करेगा जैसा आपने कहा कि बच्चे होंगे तब वो अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं तो एक चीज़ मानता हूँ सर कि कोई भी आप काम कर रहे हो ना उससे क्या आपको मिल रहा है वो सेकेंडरी है उसको करके आप क्या बन जा रहे हो वो प्राइमरी है क्योंकि आपको जो मिल रहा है पैसा दौलत शहरत ये सब टेम्प्रेरी है एक दिन चला जाएगा जा सकता है ना लेकिन आप क्या बन गए वो रहोगे परमानेंट और रोस्टिंग कैटेगरी में आदमी क्या बनता है अभी जो हमने बात करा बट हम जैसी कैटेगरी आप जैसी कैटेगरी या बहुत अच्छी अच्छी जो टीचर्स सिखा रहे हैं वो दिन ब दिन अपने आप को बेहतर बनाते चले जा रहे हैं तो वो कुछ और ही बनते चले जा रहे हैं अभी आपने सर एक थोड़ी देर पहले एक अपना डार्क फेज की बात करी कि आपकी लाइफ में हर कुछ ना कुछ टाइम पे एक डार्क फेज आता रहता है आता था छुट्ट वो अब ना हो रहा हो हमारे पास लोगों में भी ये चीज़ें होती हैं सिर्फ हमेशा वो डीप एनालिसिस करना हुँ. उससे क्या हर बार ओवर कम आता है या और भी कुछ टेक्निक्स आपके पास हैं जिससे वो इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं देखो पहली चीज़ ना आदमी को एक योद्धा वाला एटीट्यूड खुद में रखना चाहिए हुँ. फाइटर एटीट्यूड फाइटर एटीट्यूड वाला कैसा होता है जो योद्धा युद्ध में लड़ रहे होते हैं वो लड़ेगा मारेगा पीटेगा मार भी खाएगा गिरेगा खून निकलेगा घायल होगा लेकिन फिर क्या करेगा फिर उठेगा फिर लड़ेगा फिर पिटाएगा फिर पिटेगा फिर पिटाएगा फिर पिटेगा ये तब तक चलता रहता है जब तक युद्ध खत्म ना हो जाए सर लाइफ ऐसे ही है लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक फेज़ हमेशा रह जाए आज अगर हमारा अच्छा समय है ना ये हमेशा नहीं रहेगा सर इस बात को मैं जानता भी हूँ और मानता भी हूं ये जो भी है ना ये ऊपर वाले का दिया हुआ है क्योंकि अच्छे समय में एक चीज़ ये होता है कि आप थोड़ा सा भी किसी चीज़ में हाथ डालो ना रिजल्ट बड़ा मिलता है समय अच्छा चल रहा है ना राइट तो जम के मेहनत करने वाला काम होता है और जब बुरा समय हो वो एक्सपेरिमेंट करने वाला समय होता है क्योंकि आपको किसी भी चीज़ में रिजल्ट नहीं मिल रहा तो जम के एक्सपेरिमेंट करो ये भी ट्राई करो वो भी ट्राई करो वो भी ट्राई करो एक कोर्ट है नेवर गिव अप इस कोर्ट को लोग समझते नहीं है बड़ा मिसयूज है इस कोट का सर आप जिस काम को कर रहे हो ज़रूरी नहीं है कि उसी काम में आप सफल हो जाओ हर काम आपके लिए नहीं बना और हर काम के लिए आप नहीं बने यह सच है तो जिस काम को कर रहे हो साल भर हो गया छः महीना हो गया दो साल हो गया अगर सक्सेस नहीं मिल रही सफलता नहीं मिल रही चेंज करो सर ट्रैक को ओके। लोग रास्ते को मंजिल बना लेते हैं रास्ता कभी मंजिल नहीं हो सकता रास्ता सिर्फ मंजिल बनाने का जरिया है तो एक ट्रैक में सफलता नहीं मिल रही तो ट्रैक बदलो उसमें भी नहीं मिल रही फिर बदलो टफ टाइम है ना बुरा ही समय है ना एक्सपेरिमेंट करो और जब अच्छा समय आ जाए जिस चीज़ की वजह से अच्छा समय आया है उसमें अपने आप को झोंक दो पूरी तरीके से अच्छे समय में रेस्ट नहीं करने का और बुरे समय भी रेस्ट नहीं करने का कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ तो रेस्ट तो कभी करना ही नहीं गए तो उसने भी कहा है ना कर्म करे जा तो सर जैसे सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत चीज़ें ग्रो कर रही हैं आज आपने देखा होगा कि काफ़ी क्रिएटर्स मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स और हर हर एक के पास यूट्यूब्स के थ्रू या आई डोंट नो उनके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है दे ओन लग्जरी गाड़ियाँ या ब्लॉगर्स हैं वो ख़रीद रहे हैं इन चीज़ों को आप ये जो सोशल मीडिया पर दिखता है इससे कितना नेगेटिव मैं पॉजिटिव तो अच्छा होता होगा हुँ, हुँ. मैं नेगेटिव इम्पैक्ट जानना चाहता हूँ इससे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है लोगों के बीच में <laughs> आदमी बेसिकली इन्फ्लुएंस हो रहा है गलत चीज़ों से हुँ. वो जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पे देख रहा है उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है अब किसी की बड़ी गाड़ी देख रहा है वो तो अब ये क्या वो क्या सोचेगा कि ऐसी गाड़ी मेरे को भी लेनी है लेकिन ज़रा उसको ये भी देखनी चाहिए ऐसी गाड़ी आती कैसे है क्या करके आती है कितनी मेहनत करके आती है Hmm. आपको अगर इन्फ्लुएंस होना है इन्फ्लुएंस का मतलब क्या प्रेरणा लेना है right. तो उसकी गाड़ी से लेने के बजाय उसके पीछे हार्डवर्क से ले लो ना hmm. तो गाड़ी आ भी जाएगी अगर आप सिर्फ गाड़ी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो गाड़ी कभी नहीं आने की तो अभी जो कुछ टाइम पहले जब हमारा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा था कुछ दो okay. व्यूज तीन व्यूज आ रहे थे hmm. वो टाइम पर मैंने एक्सपेरिमेंट करा okay. एक्सपेरिमेंट करा तो एक चीज समझ में आई अच्छा ये चीज चल सकता है तो अभी झोंक दिया उस पर अच्छा अभी मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा आप पर मैं एक्सपेरिमेंट कब करूंगा जब ये डाउनफॉल आएगा अच्छा पहले से मैं मान के बैठा हूँ कि डाउनफॉल आएगा okay. क्योंकि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है नहीं। सर हमारा शरीर तक परमानेंट नहीं है हम परमानेंट नहीं है हमारे रिश्ते परमानेंट नहीं है हमारी कोई चीज़ परमानेंट नहीं है ये सब ऊपर वाले का दिया हुआ है है ना तो जब कोई चीज़ परमानेंट नहीं है और इस चीज़ को मैं जानता हूँ तो कल जब मेरा डाउनफॉल आएगा मुझे तकलीफ नहीं होगी मैं पहले से प्रिपेयर बैठा हूँ एक टाइम पे डाउनफॉल आना आना है उस टाइम पे जब डाउनफॉल आएगा फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना दूसरा ट्राई करेंगे कुछ अभी नहीं ओके okay. परफेक्ट मतलब एक्सपेरिमेंट तब करना चाहिए जब आपका डाउनफॉल हो तो जितने हाँ। भी लोग चैनल्स नहीं चल रहे हो आपको खुद एक्सपेरिमेंट करो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए एक तो लर्निंग्स लेना शुरू करिए क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी तभी होगा जब आपके पास लर्निंग्स होगी तभी कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप वीडियोज बना पाएंगे एक्जैक्टली परफेक्ट सो एज़ यू नो कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा क्रिएटर्स हेल्पिंग रिलेटेड और मैं जानता हूँ कि फाइनेंस का कॉन्टेंट या फिर क्रिप्टो से रिलेटेड इन सब पे आर बहुत ज़्यादा रहता है uh -huh. तो बस एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे आई होप आप उसका आंसर घुमा uh -huh. के मत दीजिएगा सो अभी आपके चैनल पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं uh -huh. पहले के मुकाबले में हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ आपके uh -huh. रेवेन्यू टू तो थ्री टाइम बड़ी होगी uh -huh. तो एक थोड़ा सा बता पाएंगे क्योंकि ऑडियंस को एक मोटिवेशन रहता है कि यार सागर सर कितना पैसा बनाते हैं यूट्यूब से एक चीज़ बताओ मेरे सर जी आदमी को ना कभी उसको इनकम नहीं बतानी चाहिए अपनी कारण है इसका जब आप अपनी इनकम किसी को बताते हो ना और सामना सामने वाला आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो आपको फिर छोटा समझने लग जाएगा अरे इतना अच्छा। ही कमा रहा है और अगर सामने वाला आपसे कम इनकम कमा रहा है फिर वो आपके गिरने का इंतज़ार करेगा उसको मजा तभी आएगा जब आप गिरोगे तो इसीलिए मैं मानता हूँ कभी भी अपनी इनकम किसी को नहीं बतानी चाहिए हाँ ठीक है अच्छा कर रहे हैं अच्छा बना रहे हैं और अच्छा करवाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को लेकिन कभी भी अपने इनकम अपनी आगे की प्लानिंग नहीं बतानी चाहिए लोगों को कंफ्यूज छोड़ दो यार ये रेंज रोवर घूम रहा है है एक कम है अपना है पैसा ज्यादा कम अपना कि किराए पे लेके कंफ्यूज तो सोचने दो मतलब इशारे इशारे में सर <laughs> बता रहे हैं <laughs> इशारा समझ जाइए मैं भी इशारे में बता रहा हूँ परफेक्ट सर तो लाइक आपको आ, वैसे पसंद क्या है मतलब यू नो आजकल जैसे किसी को गाड़ियों का शौक है किसी को ट्रैवलिंग का शौक है व्हाट यू लाइक क्या पसंद है आपको मुझे ट्रैवलिंग का भी शौक नहीं है सर गाड़ियों का भी शौक़ नहीं है मुझे काम करते रहना बहुत पसंद है अच्छा मतलब मेरी हॉबी है काम करना ये कह सकते हो आप ओके और अकेले में रह रहकर खुद पर मंथन करना विचार करना सोचना या अगर कहीं मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं अकेले ट्रैवल करना पसंद करता हूँ सोलो ट्रैवलिंग जिसको कहते हैं अब इतना कुछ जानने के बाद लोगों को हमेशा ही रहेगा कि यार सागर सर का एक टाइम टेबल कैसा रहता है एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर आपका एक डे डेली का एक टाइम टेबल क्या रहता है सर बहुत इंडिसिप्लिन लाइफ है सर मेरी ओके मैं बहुत से लोग इस बात से चेहरे हाँ। पे स्माइल आ गए सर मेरी <laughs> भी सेम ही है <laughs> जी जितने लोग एक शाहरुख खान का इंटरव्यू में सुन रहा था बहुत पहले सुना था तो वो कहते हैं कि अगर आपको बहुत बड़ी सक्सेस लेनी है तो आपको खाना पीना छोड़ना पड़ेगा नींद छोड़नी पड़ेगी आराम छोड़ना पड़ेगा सब छोड़ना पड़ेगा और जो मुझे लगता है कोई भी आदमी अगर अच्छी खासी सक्सेस पाना चाहता है तो उसको सच में ये सब करना पड़ेगा देखो डिसिप्लिनड लाइफ बना करके आप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं पा सकते ऐसा मैं मानता हूँ आपको इनडिसिप्लिन होना ही पड़ेगा सर खाने के टाइम पे खाने का याद नहीं रहा सोने के टाइम पे नींद नहीं आ रही जागने के टाइम पे फिर भी आप काम कर रहे हो ये चीज़ें करनी पड़ती है मुझे लगता है क्रिएटिव लोग जितने होते हैं ना जिनका सोचने वाला काम है वो डिसिप्लिन हो भी नहीं सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको दो बजे आइडिया आएगा तीन बजे आइडिया आएगा कि सुबह चार बजे आइडिया आएगा जब आइडिया आए उसको लिखना भी जरूरी है अगर आप नहीं लिखोगे तो वो आइडिया गया ना अब अच्छा वो आइडिया आपको लाख कमा के दे सकता था करोड़ कमा के दे सकता था पता नहीं तो क्रिएटिव आदमी कि लाइफ डिसिप्लेंड हो भी नहीं सकती ऐसा मुझे लगता है okay. बाकी हर किसी की अपनी अपनी सोच हो सकती है तो मैं भी इंडिसिप्लेंड हूँ और सबसे बड़ी बात यह कि इन, इस इनडिसिप्लिन होने के बावजूद मैं अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहा हूँ मुझे मजा आ रहा है okay. रिग्रेट नहीं है कि यार मैं अनुशासन नहीं है मेरी लाइफ मुझे चाहिए भी नहीं अनुशासन okay. क्योंकि अनुशासन आ गया तो हो सकता है मेरी क्रिएटिविटी चली जाए मैंने ज़िंदगी में आज तक जो भी किया है ना ग्यारह बजे के बाद आए हुए आइडियाज की वजह से किया है अल्टीमेट है सर हमारे को ग्रोथ होती रहनी नीचे लाइफ ने। ने। और हम खुश होने चाहिए करेक्ट ग्रोथ हो रही है हम खुश हैं तो सब अच्छा है कितने बजे उठो ये इंपॉर्टेंट है थैंक यू सो मच सागर सर कि आपने इतना कुछ वेलेबल इन्फॉर्मेशन थैंक यू वेरी मच सर आदमी की जिंदगी में गुड टाइम और बैड टाइम ये कम्बिनेशन में चलता है गुड टाइम आपको अचीवमेंट दिलाती है पैसा दिलाती है शोहरत दिलाती है लेकिन बैड टाइम में जो चीज आपको मिलती है ना उससे आप कितनी चीजें कमा सकते हो वो आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते